आज का जमाना तेज रफ्तार का जमाना है। लोग एक से दूसरी जगह कम से कम वक्त में पहुंचना चाहते हैं। दुनिया के कई देशों में हाई स्पीड ट्रेनें संचालित हो रही हैं। लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX दुनिया के बड़े शहरों के बीच लोगों को रॉकेट से सफर कराने की तैयारी कर रही है। भारत की राजधानी दिल्ली से जापान की राजधानी टोक्यो की दूरी 5,839 किलोमीटर है और इस दूरी को हवाई जहाज से तय करने पर 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर SpaceX की योजना पूरी हुई तो ये दूरी महज 30 मिनट में सिमट जाएगी। SpaceX के संस्थापक एलन मस्क ने कहा कि अगर हम चांद और मंगल पर रॉकेट भेज सकते हैं तो धरती पर लोगों को एक से दूसरे शहर क्यों नहीं भेज सकते। SpaceX के फाउंडर ने बताया कि प्लान्ड इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका कोड नेम BFR है, को छोटा किया जाएगा ताकि ये भविष्य में मार्स मिशन के लिए कई टास्क को अंजाम दे सके। मस्क का कहना है कि रॉकेट के जरिए दिल्ली से टोक्यो का सफर महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। उनकी गणना के मुताबिक बैंकॉक से दुबई के बीच सफर में महज 27 मिनट लगेंगे और टोक्यो से दिल्ली के बीच यात्रा 30 मिनट की होगी। एलन मस्क ने शुक्रवार को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का खुलासा किया। इसमें अगले 5 साल में मंगल ग्रह पर मालवाहक जहाजों को भेजने और पृथ्वी पर बड़े शहरों के बीच यात्रा के लिए रॉकेट इस्तेमाल का प्लान शामिल है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।